आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू रिचा एंड सौरवर्ड। आज हम जा रहे हैं रितु से मिलने के लिए, जो न्यू जर्सी में रहती है, और उसके घर में जाएंगे, उसका घर का व्लॉग बनाएंगे और थोड़ी मस्ती भी करेंगे। एंड उससे पहले हम जा रहे हैं स्काईलाइन एक बार देखने न्यू जर्सी की। हाँ, हमने न्यूयॉर्क की देखी थी, अभी न्यू जर्सी साइड की भी देख ले एक बार। ये तो परसों को वीडियो देख सकते हो, तो उसमें हमने न्यूयॉर्क की पूरा एनिवर्सरी पे बैठ के डिनर किया था और पूरी एंजॉय किया था स्काईलाइन को। तो द सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू इन न्यू जर्सी साइड। नदी के उस पार जो है वो न्यूयॉर्क है, जहाँ पे हमारा होटल है, कल हमने वो साइड दिखाया था। तो नदी के इस पार हमारा है न्यू जर्सी, और आज हम न्यू जर्सी का आपको एक्सपीरियंस कराएंगे, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस गाइस यूएसए में ना न्यू जर्सी में रहते हैं, न्यूयॉर्क जॉब करते हैं ना, वो सारे कहीं काफी ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ से 30 मिनट लगता है ट्रेन जर्नी में। हाँ, और इट्स गुड ना, यहाँ पे रेंट वगैरह भी फिर कम होता है। अभी सारा हम बात करेंगे रितु के साथ, थोड़ा उससे आइडिया लेंगे ताकि हमें भी एक आइडिया मिल जाए। काफी सारे लोग ने यहाँ पर मजे कर रहे हैं, ये है मरीना टाउन स्क्वायर। हाँ, मैंने देखा यहाँ पे काफी सारे बच्चों के भी किड्स प्ले एरिया बना हुआ है, वॉकिंग के लिए भी काफी अच्छा है। रात को वॉक करो, इवनिंग को वॉक करो, मॉर्निंग को वॉक करो। रिवर साइड है, रहने के हिसाब से काफी अच्छा एरिया है। एंड न्यूयॉर्क के मतलब कि पास होने से ये एरिया भी बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप हो रहा है। आई कैन सी द होल स्काई लाइन हियर द न्यूयॉर्क साइड, एंड मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। देख रहे हैं एडवर्टाइजमेंट करने का नया तरीका, मतलब हेलीकॉप्टर से साथ में पूरा बिलबोर्ड लगा के चला रहे हैं। तो ये किस चीज का बिलबोर्ड है, दिख नहीं रहा अभी, वो शायद न्यूयॉर्क वालों को दिख रहा है क्योंकि वो उसके आसपास चल रहा है। हम रितु के लिए कुछ लेने आए हैं यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर में, लेट्स सी की फ्लावर्स लेते हैं, चॉकलेट्स लेते हैं, जो भी अच्छा लगा वो ले लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे मिले है वीगन मफिन, सोने पे सुहागा, मुझे पानी आ गया है। ये भी सही है यार, वैसे इस स्टोर में मुझे काफ़ी सारे इंडियन आइटम्स भी दिख रही है, जैसे कि बेसन वगैरह है, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे इंडियंस रहते हैं ना आसपास, तो दे हैव गिवन एवरी ऑप्शन। इंडियन जो है ना अपनी ये स्टिक्स और ये मसाला वाली जो चीज़ें होती है, दालें वगैरह सब मिल रही है, मूंगफली, अपनी येलो दाल, मूँग दाल, सारी दालें मिल रही है। तो हमने ले लिया रितु के लिए एक केक, और अभी हम जा रहे हैं उसके घर। हेलो हेलो, ये पकड़ो। प्रशांत वो कॉन्शियस हो गया क्या? हाय प्रशांत, हेलो हेलो जी, हेलो, हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया। तुम्हें आज सब तो नहीं किया तुम्हारे ऑफिस आवर्स में? अभी हम लोग खाएंगे चाट पापड़ी। ये व्हाट इज दिस, ओके वही मैं सोच रही हूँ। हाँ मैं वही सोच रही हूँ। चलो भाई, ये कहीं भी जाएंगे ना, हाँ। पहली चीज मुझे वर्जिन मोहित मंगवा। मैंने ट्राई किया है, पता नहीं आपको कितना पसंद है। नहीं नहीं, अच्छा ही होगा, मैंने पी के देखा है, मुझे नहीं थी कि लग तो वही। तूने बहुत अच्छी चाट पापड़ी खिलाई है, अभी चाट पापड़ी हो गई है खत्म, तो अभी हम आप लोगों को देंगे न्यू जर्सी के हाउस टूर। तो आपका 1 BHK है, 1 BHK है, तो आज हमारे साथ प्रशांत भी है। हाय प्रशांत, हेलो रितु, हाय सौरभ, जो कभी कभी दिखता है वीडियो में। आज मैं कैमरे के बिहाइंड हूँ और सौरभ देगा हाउस टूर। तो सौरभ ने पहले शर्त रखी थी, आज मैं कैमरा नहीं पकड़ूंगा, आज तू बनाएगी वीडियो, ठीक है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ की न्यू जर्सी के अपार्टमेंट से, तो स्टार्टिंग विद द किचन। तो ये है रितु का, रितु आप प्लीज आपके बार किचन के बारे में बताइए कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिल जाती है, और जैसे स्टोव होता है, माइक्रोवेव होता है, डिशवॉशर होता है यहाँ पर। बट हमारे यूके में ये बहुत डिफिकल्ट ऑप्शन है, मोस्टली लोग इंडक्शन यूज करते हैं, और उसमें मतलब खाने का जो टेस्ट है वो मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं आता, टाइम भी ज्यादा लगता है, टाइम बहुत लगता है, आधा आधा घंटा लगता है खाने बनाने में, मुझे खाना बनाना आता है। तो ये किचन है, डिशवॉशर और स्टोरेज स्पेस थोड़ा अच्छा है यहाँ पे, और फ्रिज और ये सब यहाँ पे हमेशा मिलता है। एक क्वेश्चन है कि ये पूरा घर मतलब फर्निश्ड आता है वाइट गुड्स के साथ? नहीं, हाँ मतलब किचन का खा के ना, किचन हाँ, घर नहीं, घर नहीं, अच्छा। तो क्या कर मतलब बेसिक आ रहा है, तो बेसिकली ये जो लाइट के फिक्स्चर्स होते हैं वो आते हैं, और बाकी हॉब ये सब तो आते ही होगा पीछे से, और फ्रिज और फ्रीजर,
फ्रिज माइक्रोवेव ये सब यूजुअली सब घरों में होता है, एक आधे का चीजें कभी कभी नहीं होती, जैसे हर जगह माइक्रोवेव कुछ कुछ घरों में नहीं होता, डिशवॉशर नहीं, डिशवॉशर होता है, वॉशर ड्रायर पीछे हमारा वॉशर ड्रायर है, वो भी हर घर में नहीं होता। तो मतलब बेसिकली अगर आप न्यू अपार्टमेंट्स या कुछ ऐसे आते हो तो बेसिक चीजें आपको मिल जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो रहते हैं साल पुराने बने हैं उनमें सब होता है, लेकिन जो अपार्टमेंट 25-30 साल पुराने बने हैं थोड़े ज्यादा पुराने हैं उनमें नहीं मिलेगा। ओके, तो अभी हम बढ़ते हैं किचन से आपके रूम की तरफ, लिविंग रूम की तरफ। चलो, जो ये सारी स्पेस है ये क्या पूरी फर्निश मिला था आपको? नहीं नहीं, ये सारा फर्नीचर हमारा है। आई गेस लंदन में काफी सारे घर हमने 10 घर देखे थे, उसमें 10 से 10 के घरों में फर्निश थे। यहाँ पे फर्निश घर नहीं मिलते हैं, बहुत कम होते हैं जो मिलते हैं, बेसिक ये फिक्स्चर्स के साथ, बाकी सब वाइट कुछ मिल गया, इसलिए बाकी कुछ नहीं मिलता। तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि सोफा टीवी सब कुछ आपको ए टू जेड लेके करना पड़ता है, तो वो फिर थोड़ा पेनफुल पार्ट होता होगा ना, एकदम से सारा बनाए आते हो तो धीरे धीरे लेते हो। जैसे हम आए तो हमने पूरा 2.5 महीने में, क्योंकि धीरे धीरे चीज समझ में आती है, स्टैंड एंड ऑल्सो यू नो कि क्या किसके साथ जा रहा है, तो धीरे धीरे सामान अगर आप खरीदोगे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा और प्लान करके लोगे तो ज्यादा सही रहता। तो ऐसा नहीं सोचोगे कि आए और एकदम सब खरीद लिया। आई थिंक हमने खुद जब हम यहाँ रह चुके थे तब भी हमने 2 महीने लगाए थे, बट लंदन में ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि सारे घर फर्निश्ड होते हैं, मूव करने अपने सामान के साथ। हाँ, और तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसा फर्निश्ड घर चाहिए, लाइक सेमी फर्निश में मिलते हैं, फर्निश में मिलते हैं, अप टू यू। न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी में रहना पर्सनल प्रेफरेंस है, वैसे तो काफी सारे लोगों को न्यूयॉर्क सिटी में रहना पसंद आता है, वहाँ पे लाइक जर्सी रिलेटिवली उतना हैपनिंग नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट उसका यहाँ के एडवांटेज है कि यहाँ पे एक तो इंडियन पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो देसी चीजें काफी इजीली मिल जाती हैं, खाना पीना जो हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने ऐसे देसी लोग होते हैं तो मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि जर्सी में आ जाना। और दूसरा, घर थोड़े सस्ते और बड़े मिल जाते हैं, न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट्स रिलेटिवली काफी छोटे होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं। और तीसरी चीज मेरे को ये लगती है होती है कि न्यूयॉर्क में सिटी टैक्स देना पड़ता है, जो कि यहाँ पे देना नहीं पड़ता। हमें नहीं पता था सिटी टैक्स के बारे में, क्योंकि लंदन में अगर आप जोन 1 जोन 2 में भी रहते हो तो कोई ऐसा सिटी टैक्स वाला फंडा ही नहीं होता, बट हियर यू हैव टू पे। मतलब अगर आप न्यूयॉर्क में रहोगे तो आपको इतना ही सेम अमाउंट में छोटा घर मिलेगा, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, और वो थोड़ा इतना स्पेशियस और इतना शायद नया नहीं होगा। बेडरूम जो है, और बेडरूम भाई बहुत प्यारा और खूबसूरत, ले तुम तो सोए गए। अच्छा लिया कुछ गद्दा। और बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, वो हम अभी आपको बाहर बालकनी में जाके दिखाते हैं ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए कि व्यू कैसा है। एंड कमिंग टू द वॉशरूम, ये आपको साथ में मिली थी कि अपने खुद? ओके ठीक है, स्टोरेज इतना अच्छा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, हमारे कपड़े ज्यादा है, आपसे कम है लेकिन है हमारे पास। ओके, और एक छोटा सा वॉशरूम मतलब साइज का कैसे रहता है, थोड़ा छोटा सा टूर दे देते हैं। हाँ लाइक उन्हें सुके, तो आप चलते हैं बाहर व्यू की तरफ। तो यहाँ इस अपार्टमेंट का सबसे जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो है व्यू, जर्सी से जो हम आपको व्यू दिखाने वाले हैं, विच इज अमेजिंग। यहाँ पे पूरा हडसन रिवर का व्यू मिलता है, am I correct ना? हडसन रिवर, जैसे हमारा थेम्स रिवर है लंदन में, तो यहाँ पे हडसन रिवर है, तो यहाँ से बहुत ही अमेजिंग व्यू है। वो पूरा न्यूयॉर्क का स्काईलाइन है, तो मतलब ऐसा न्यूयॉर्क दूर नहीं है, तो मतलब बहुत ही पास है, यहाँ से एम्पायर स्टेट दिखता है, पूरे न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स दिखती है, वाटर व्यू भी है, तो न्यूयॉर्क से इधर का दिखेगा, इधर से उधर का दिखेगा, तो काफी सही है। अभी हम आपको लेके चलते हैं बालकनी की तरफ, हाँ, जो कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, उसके तो बनता ही है। हाँ, फोटोग्राफी यहीं पर होनी है, अभी तो यहाँ पर पूरे फोटोशूट होगी। तो ये है इस घर की बालकनी, आप देख सकते हो यहाँ से कितना अच्छा उधर स्काईलाइन व्यू है, रात को तो और अमेजिंग दिखता होगा। तो मुझे तो ये सबसे अच्छा पार्ट लगा, ऑफकोर्स यहाँ पे थोड़ी गर्मी है तो ज्यादा नहीं खड़ा हो पा रहे, लेकिन व्यू वाइज बहुत अच्छा, और यहाँ से हेलीकॉप्टर बहुत दिखते हैं, और यहाँ पे अगर आप बाहर बैठोगे ना तो काफी सही रहता है, मतलब ऊपर से हेलीकॉप्टर दिखते रहते हैं, नीचे से जेट्स की दिखती रहती है, और पानी में कुछ ना कुछ होता रहता है, और कभी कभी बोट्स और ये क्रूजेस वगैरह भी दिखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अपार्टमेंट जैसे लंदन में इतने हाई राइज नहीं होते, ऐसे प्लेस को किनारे को वहाँ पे ज्यादा होते हैं, यहाँ पे मोस्टली जो अपार्टमेंट्स है वो बहुत हाई राइज होते हैं, तो वहाँ पे जो व्यूज है डेफिनेटली यहाँ पे काफी सारे लॉन्ग बिल्डिंग्स है, मोस्टली सारी नई बिल्डिंग्स होती है, सब वो कांच की बिल्डिंग्स, जैसे वो नया वाले जो घर कंसेप्ट है सारे। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी प्रशांत, आप भी एक बार ज्वाइन करो हमें, मुझे एक चीज पूछनी है कि यहाँ पे रेंटिंग का क्या सिस्टम है एज कम्पेरेटिव टू न्यूयॉर्क, लाइक यहाँ पे रेंट कितना देना पड़ता है, न्यूयॉर्क में कितना देना पड़ता है? पहले मैंने बताया था न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क के रेंट्स यहाँ से ज्यादा है, और यहाँ के घर भी लेके भी छोटे होते हैं। यहाँ से न्यूयॉर्क कितनी दूर है?
अगर ट्रैवल करना पड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट से 15-20 मिनट अगर तुम्हें एक स्टेशन हाँ यहाँ से अगला स्टेशन न्यूयॉर्क पड़ता है तो 10-15 मिनट के अंदर तुम न्यूयॉर्क के अंदर होगे। और अगर इवन अगर कार से भी जाना हो तो 15-20 मिनट के अंदर डिपेंडिंग ऑन एक टनल जाती है यहीं से और वाटर वे भी है तो यहाँ पे वाटर वे है तो वाटर वे से पानी से न्यू जर्सी के मतलब अप्रोक्सीमेटली लैंड का आइडिया बताओ कि स्टूडियो का 1 BHK कहाँ से स्टार्ट होता है व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैन गो वो मुझे बताइए। न्यू जर्सी का लैंडमार्क काफी बड़ा है वैसे तो मतलब अगर मैं जर्सी सिटी की बात करें जहाँ पे हम लोग रहते हैं स्पेसिफिकली वाटर फ्रंट के एरिया नदी के पास वाला एरिया तो यहाँ पे स्टूडियो ऐसे 1 bedrooms है तो 2500 to 3500 के बीच में होते होंगे डॉलर्स में। अच्छा। और अगर क्या कहते हैं अगर तुम थोड़ा पीछे जाओगे तो वाटरफ्रंट अगर न्यूयॉर्क की बात करेंगे सिमिलर टाइप के सिमिलर टाइम पे बने हुए विद सिमिलर फैसिलिटीज वाले अपार्टमेंट्स $4,500-4,500 हाँ $4,500-4,500 के होंगे। ओके तो गाइस अप्रोक्सीमेटली अगर रेंट का आप आइडिया लेना चाहते हो इनकेस अगर आप आ रहे हो यूएसए में तो मतलब जैसे आप प्रसाद ने बताया कि 2500 to 3000 डॉलर के बीच में आप ऐसे मतलब रिवर साइड फ्रंट वाले जो घर है वो देख सकते हो न्यूयॉर्क में और न्यूयॉर्क में तो मतलब काफी बोला 4,000 to 5,000 डॉलर के बीच में की कंपनी आपको न्यूयॉर्क में कोई फुल्ली फर्निश्ड घर दे रही है उनके वो अलग बात है बट ऑफकोर्स कभी आपको अपना भी एक लेना पड़ेगा एक पॉइंट पे आगे तो आप न्यू जर्सी में डेफिनेटली देख सकते हो। यहाँ पे आपने बताया कि इंडियन भी काफी मिल जाता है खाना पीने का काफी आराम है मतलब खाने पीने के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है इंडियन खाना मिल जाता है घर पे मतलब खाना डिलीवर हो जाता है यहाँ पे इंडियन स्ट्रीट पास में है तो आपको अगर आपको इंडियन खाने की क्रेविंग हो रही है तो वहाँ पे कम से कम 15-20 रेस्टोरेंट है ऊपर वाले टेरेस पे कि आपको ये भी दिखा देते हैं कि यहाँ के टेरेस जो हमें यूजली लंदन में नहीं देखने को मिलते हमारे पास एक्सेस नहीं होता लंदन में ना टेरेस का एक्सेस नहीं मिलता है हाँ बट यहाँ पे इन यूएसए आप देख रहे हो कि कितना बढ़िया और अच्छा एक्सेस है पूरा आप स्काई लाइन यहाँ से देख रहे हो एंड हाउ वाज द फीलिंग्स और वेरी वेरी नाइस मतलब अभी जैसे नए अपार्टमेंट बन रहे हैं ना लंदन में उनमें स्काई गार्डन्स हैं हाँ उनमें ऐसा व्यू मिल सकता है हाँ वो भी अगर आप रिवर साइड में रह रहे हो तो अपने हाउस टूर को यहीं पे एंड आई होप आप लोगों को ये प्यारा सा घर जो कि रितु का प्यारा सा जो प्यार से बनाया घर पसंद आया और रितु का भी एक इंस्टाग्राम हैंडल और यूट्यूब हैंडल है रितु आपने प्लीज बताइए अलबेली रितु के नाम से यूट्यूब पे अलबेली इसको कौन नहीं जानता भाई इसको ज्यादा लोग जानते हैं और प्रशांत को कौन नहीं जानता अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना तो सब्सक्राइब और प्रशांत के साथ दोनों बेचारे बहुत हेल्प करते हैं मुझे ये बात बोलनी हमेशा सही होती है हमारे पीछे बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि इनके सपोर्ट के बिना ऑफ कोर्स हम लोग भी इतना नहीं कर पाएंगे ऑफ कोर्स एक तो हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है ये सब करने में सपोर्ट टू डू इट क्वाइट ऑफन तो अभी आप लोगों को बोलते हैं बाय और बने रहिए हमारे साथ यूएस सीरीज इनकी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे तो देखते रहना तो बाय बाय गाइस।